हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं हमारे बीच, और वो सारे बच्चे जिनका फिजिक्स खराब हो गया है या बहुत बढ़िया से फिजिक्स पढ़ा है फिर भी उनको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, और वो इस चीज को लेकर क्यूरियस है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड में इस साल नहीं आने वाले हैं जिनका एग्जामिनेशन 2023 में होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपकी यह क्यूरियोसिटी जो है खत्म हो गई है। हमारे चैनल पे आपको वो सारे सवाल मिलेंगे, वो सारे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेंगे जो इस साल 2023 में पूछे जाने वाले हैं। इस चैनल पे आपको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा ना कि आने वाले एग्जामिनेशन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो देखा है मैंने आपके वीडियो में। और ऐसा ही फील मैं कराने की कोशिश मात्र से आपके सामने आया हूं एक बार फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लेक्चर नंबर 2, जिसमें पिछला में हम लोगों ने 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव सेशन किया था। अब 30 से आगे जितना भी क्वेश्चन होगा उसको देख लेंगे। तो देखिए दोस्त, आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कोई कण का कौन सा ऐसा चीज होता है जो अपरिवर्तित रहता है? तो आप एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई कण गति कर रहा है, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई कण गति कर रहा है तो गति करेगा ना, तो उसमें एक चीज, उसकी गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदलेगी। उसकी गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदलेगी। ये देखो, तो गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदलेगी तो सर क्या करें, केवल गतिज ऊर्जा मार दें? मैं आपको बताता हूं, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² ये अगर नहीं बदलेगा तो मास तो कभी नहीं बदलने वाला, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला, मास कभी नहीं बदलेगा, चाहे तुम चंद्रमा पे क्यों ना चले जाओ, तुम्हारा द्रव्यमान कभी नहीं बदलने वाला मेरे लल्ला। तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो सर के नहीं बदलेगा, द्रव्यमान भी नहीं बदला तो अकेले भी बदलेगा क्या? भी नहीं बदलेगा, है ना। भी का मतलब वेग मत बोलना, भी मतलब वेग मत बोलना, यहां पर भी का मतलब चाल है। सर वेग बोल देंगे तो क्या होगा? सर वेग में दिशा भी होती है, और देखिएगा द्वितीय गति करेगी वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगी तो दिशा बदलेगा, चाल नहीं बदलेगा। गति ऊर्जा भी नहीं बदलेगा, चाल भी नहीं बदलेगा, दोनों नहीं बदलेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो याद कर लो इस बात को, जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो दो चीजें हैं जो नहीं बदलती, एक तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा नहीं बदलने के कारण से ही एक दूसरा चीज है चाल, वो भी नहीं बदलता। तो हमारा आंसर है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों ही अपरिवर्तित रहती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर था ये आपका कितना 31, और अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलेंगे अगले में जिसका क्वेश्चन नंबर है 32। देखिए बढ़िया सवाल है ये भी, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है? सबसे पहले ये बताओ लॉरेंज बल है क्या? जब किसी आवेश को तुम एक ऐसे क्षेत्र में रखते हो जहां विद्युत क्षेत्र भी अवेलेबल है, चुंबकीय क्षेत्र भी अवेलेबल है, तो दोनों मिलकर उस पर बल लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र विद्युत बल लगाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल, यानी कि एगो आवेश उस पर दुदुगो बल, एगो आवेश पर नेट बल दुगो, Fe प्लस Fb, यानी कि आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मिलकर बल लगाएंगे। ये तो आपका जो बल लगाएगा QE होता है, और चुंबकीय बल आप जानते हैं V×B होता है। तो देखो भैया, क्यू क्यू को कॉमन ले सकते हो, यहां हो जाएगा वेक्टर E+V×B, यहां से आपका आसानी से ये मिल गया लॉरेंज बल। यही है लॉरेंज बल दोस्तों, यही क्या है लॉरेंज बल, यानी कि लॉरेंज बल क्या है? किसी भी आवेश पर जब विद्युत बल और चुंबकीय बल एक साथ दोनों लगने लगे तो ये संयुक्त बल जो होता है लॉरेंज बल कहलाता है, और लॉरेंज बल का फॉर्मूला ये है, और ऑप्शन में आप ढूंढ लो, मुझे लगता है कि यहां पे ए नंबर ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है। क्लियर है दोस्त? खूबसूरत सवाल था, बढ़िया सवाल था। 33 में आ जाओ दोस्त, एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। देखो सवाल जो है ना सारे के सारे आवेश और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड ही है। यहां पर एक आवेश क्यू है और वो चुंबकीय क्षेत्र में मतलब भी वेग से गति कर रहा है, तो कण पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा? देखो कण पर लगने वाला जो बल होगा वो F=qvb sin θ होता है।
ए बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है। अगर तुम एफ को बड़ा करना चाहते हो सबसे बड़ा, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, साइन थीटा को भी बड़ा करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा एफ कब होगा, जब साइन थीटा सबसे बड़ा होगा। और एक बात समझ लो, साइन थीटा का वैल्यू सबसे अधिक कब होता है, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है। और थीटा 90 डिग्री का मतलब भी और बी के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यानी कि दोनों परस्पर क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। और आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है ना, समझ रहे हो बात को, एक इलेक्ट्रॉन है अब पूरब की ओर जा रहा है। पूरब किधर, पूरब किधर, पूरब किधर, पूरब इधर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर, उत्तर ही आवेश इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, बल किधर, है ना, समझ रहे हो बात को। यहां पर देखो, यहां पर कह रहा है कि आवेश उधर, आवेश इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर। अब बोल भाई मेरे कि इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा किधर होगी, इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा किधर होगी। देखो, तुमको तो एक बात याद होगा कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, चलो एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो इसके कारण से ये ऐसे निकाल लेते बाहर की ओर, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लग रहा है, ये बात हम लोग कैसे पता करेंगे भैया, कैसे पता करेंगे। एक काम कर लो, देखो इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, इसके आइडिया बता देता हूं मैं आपको। अगर इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर जा रहा है, डूंग, है ना, ये देखो, देख लो ये किधर जा रहा है, आगे, है ना। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है, इधर, तो बल किधर लगेगा, किधर लगेगा, नीचे लगेगा। और नीचे ऊर्ध्वाधर किधर की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था ये। एक देखो अभी यहां पर वोल्टमीटर से रिलेटेड, आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श बच्चा, मतलब सबसे बढ़िया वाला बच्चा जिसमें किसी भी प्रकार का अवगुण ना हो, आदर्श बिगड़ेल लड़का जिसमें किसी प्रकार का अच्छाई ना हो, समझ रहे हो, आदर्श वोल्टमीटर। देखो आदर्श बच्चा संभव नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें किसी प्रकार का बुराई ना हो, और ना ही कोई ऐसा बिगड़ेल बच्चा है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। उसी तरह से आदर्श वोल्टमीटर भी पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो बात को। आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है, देखो एक्चुअली होता यह है कि वोल्टमीटर में हम लोग अगर किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको श्रेणी क्रम में बहुत अधिक परिमाण वाला प्रतिरोध जोड़ना पड़ता है। अब बहुत अधिक, जितना अधिक जोड़ोगे उतना ही बढ़िया वोल्टमीटर बनेगा, श्रेणी क्रम में सबसे अधिक कर दोगे सबसे बढ़िया बनेगा, सबसे अधिक कौन, इनफाइनाइट, सबसे अधिक कौन, इनफाइनाइट। तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। और ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है, डी है, समझ रहे हो। और यही आदर्श एमीटर पूछ देना, तो एमीटर में प्रतिरोध सबसे कम होना चाहिए, और सबसे कम के लिए जीरो होना पड़ेगा। तो आदर्श एमीटर में प्रतिरोध जीरो और आदर्श वोल्टमीटर में प्रतिरोध अनंत। चलिए एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, एक गैल्वेनोमीटर को क्या किया जा सकता है, वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है। और अभी भी मैंने बोला कि जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को जोड़ दो और अधिक वाला। देखो समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, नहीं, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, नहीं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, यस, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। और जितना ज्यादा प्रतिरोध जोड़िएगा उतना ही बढ़िया वोल्टमीटर आपके सामने आएगा, उतना ही बढ़िया वोल्टमीटर आपके सामने आएगा, है ना दोस्त। चलिए चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है कैसे। देखो चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए बहुत सारा की चीजें की जाती हैं। सबसे पहले तो आप क्षेत्रफल बढ़ा सकते हो, फेरों की संख्या जो है वो बढ़ा सकते हो, धारा, देखो फेरों की संख्या बढ़ा सकते हो। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, नहीं, फेरों की संख्या घटाओगे ना तो सुग्राहिता घट जाएगी, कुंडली का क्षेत्रफल घटाओगे ना सुग्राहिता घट जाएगी। प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर, नहीं देखो ऐंठन मतलब क्या, ऐंठन ऐंठ के नहीं कर सकते, तो उसको क्या ट्विस्टिंग होता है, है ना, इसको ऐंठन को अगर करना है ना ट्विस्टिंग, तो अगर तुम ट्विस्टिंग को घटा रहे हो ना, ट्विस्टिंग घटाओगे ना तो तुम्हारी सुग्राहिता बढ़ेगी। बट चुंबकीय फ्लक्स को अगर तुम बढ़ाते हो ना तो तुम्हारी सुग्राहिता जो है बढ़ जाएगी। ये देखो अगर आप चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाना चाहते हो तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दो, सही होगा, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दो, सही होगा,
प्रति एकांक ऐंठन की संख्या को घटा दो ये सही होगा, और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर ये सही होगा। देखो ये चारों ही रीजनेबल है, लेकिन ये तीनों गलत क्यों है जानते हो? ये घटाकर घटाकर कह रहा है ना, इसको बढ़ाकर बढ़ाकर और इसको घटाकर कर दो ना, तो ये सारे सही हो जाएंगे, चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी ये तीन गलत है और आपका बी नंबर आपका आंसर सही है। 38 में आ जाओ दोस्त। 38 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनोमीटर में संट का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखो संट का प्रयोग करने से होता यह है कि संट जो होता है, देखो संट मतलब क्या, रेसिस्टेंस। संट मतलब क्या, एक तरह का रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा कहीं पर, वहीं पर उतना ही ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा। इस फॉर्मूला से देख लो, अगर तुम चाहते हो कोई पदार्थ जले नहीं, उसमें रेसिस्टेंस कम डालो। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर में संट का प्रयोग करते हैं तो उसकी बात एक ही हो सकती है कि उच्च धारा से उसकी सुरक्षा को किया जा सके, उसको जलने से बचाया जा सके। और भी कई फायदे होते हैं इससे, और भी कई फायदे होते हैं संट से। इसका परास बढ़ सकता है, मतलब जो रेंज होता है मेजरमेंट का उसको इंक्रीज कराया जा सकता है। लेकिन अभी चारों ऑप्शन में दिस इज द बेटर वन, सो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अनंत लंबाई के एक सीधे तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे एक मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो अनंत लंबाई की एक तार है, अनंत लंबाई का एक तार है, और अनंत लंबाई के तार के कारण से तुमको जब भी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाए तो तुम सीधे बोल सकते हो यहां से एक मीटर की दूरी पर पूछ रहा है, मतलब आर बराबर एक मीटर बोल रहा है ना, और यहां पर तार भी जा भी रहा है एक एम्पियर, तो जो तुम्हारा बी आएगा म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर, समझ रहे बात को? तो यहां से तुम क्या कर सकते हो दोस्त, यहां से तुम क्या कर सकते हो, यहां से तुम करो ये कि एक सेकेंड, म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, ठीक है ना। अब यहां से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू नॉट का कितना हो जाएगा, 4π × 10⁻⁷, है ना। आई के जगह पर किस चीज का प्रयोग किया जा सकता है, आई के जगह पे एक एम्पियर का इस्तेमाल करो, 2 का 2, पाई के जगह पे पाई रखो दोस्त, और आर के जगह पे तुम्हारा 1 रख सकते हो। तो ये खत्म हो गया तुम्हारा, ये 2 से 2 खत्म हो गया तुम्हारा, और आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷, चूंकि बी है तो टेस्ला में यूज किया जाएगा, तो आपका आंसर आ गया इतना। तो देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बेहद आसान था। ये फॉर्मूला याद रखना, इतना होता है तुम्हारा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, और यही अगर वृत्ताकार होता ना तो यहाँ पे जो केंद्र पर आएगा वो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई टू आर, बस एक पाई का अंतर होता है यहाँ और यहाँ में, ठीक है। देखिए आर त्रिज्या एन फेरो वाली वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, खूबसूरत सवाल है ये है। आई धारा जा रही है, फेरो की संख्या कितनी है, एन है, और कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय प्रेरण होगा, वो होगा म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, मतलब कि जितना ज्यादा कुंडली में फेरो की संख्या रहेगा केंद्र पर उतनी ही ज्यादा चुंबकीय प्रेरण आएगी, और जितनी ज्यादा धारा होगा उतनी ही ज्यादा, जितनी छोटी त्रिज्या होगी, आर अगर छोटी तो बी आपकी बड़ी होगी, माने रिलेशन कुछ ऐसा है कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका आर, ये देखो ये रिलेशन है। तो ढूंढो जरा यहां पर अनुक्रमानुपाती किसके किसके है, ये पूछ रहा है, तो अनुक्रमानुपाती आई के है लेकिन आर के नहीं है तो ये नहीं होगा, अनुक्रमानुपाती एन के है लेकिन आर के नहीं है ये नहीं होगा, अनुक्रमानुपाती आई के भी है और अनुक्रमानुपाती 1/r के भी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अगल बगल की जो चीजें हैं उसके जो भी तुम्हारे दिमाग में उसके रिलेटेड आ रहा है सबको लिख डालो और फिर रिलेट करो उससे, है ना। चलो ये देखो सवाल आपका, इतना मीटर त्रिज्या है, वृत्ताकार लूप इतना 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जब भी होगा यही होगा म्यू नॉट आई बाई टू आर। देख भैया म्यू नॉट को तुम लिख सकते हो 4π × 10⁻⁷, है ना, और आई के जगह पे किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है, 2 एम्पियर है तो 2 लिख सकते हो, 2 का 2, और आर के जगह पे कितना लिख सकते हो 0.0157, है ना दोस्त। तो अब देखो ये 2 से 2 मत में खत्म, ये पाई है तो 2 दुनी का 4 हो जाएगा, 2 दुनी का कितना हो जाएगा दोस्त, 4 हो जाएगा। देखो बड़ा आसान है,
चार हो जाएगा, पाई की जगह पर 3.14 गुना 10^-7 और यहाँ पे देख लो जरा 0.0157। अगर इसको और इसको कटाओगे ना तो 200 मर्त में कटेगा, 200 और 4 में गुना करो 800 गुना 10^-7 और आपका आंसर 8 × 10^-5। देखिए फॉर्मूला बेस सवाल है, कोई ज्यादा आपको चहल पहल नहीं करनी, सिर्फ फॉर्मूला पे रखना है, कटाना है और आपको आंसर पाना है। सो आंसर नंबर आपका कितना हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, देखो ये भी सवाल खूबसूरत है, बढ़िया सवाल है, समझने वाली चीज है। क्या कह रहा है, समान त्रिज्या और समान फेरो वाली, त्रिज्या भी समान फेरो की संख्या भी समान, दो वृत्ताकार कुंडलियां इस प्रकार रखी गई हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक हैं, मतलब इनके तल जो हैं एक दूसरे से लंबवत हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब कि एक लूप ऐसे बना है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इधर जाएगा और एक लूप जो है ऐसे बना है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा। ध्यान देना, एक गोला ऐसा तो चुंबकीय क्षेत्र, एक गोला ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, तो एक चुंबकीय क्षेत्र इधर, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर, एक चुंबकीय क्षेत्र इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। अब मुझे ये बताओ जरा तुम कि दोनों में त्रिज्या समान था, फेरों की समय समान था, सब कुछ समान था, तो मुझे लगता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में बराबर होंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर। अब दोनों जब बी है, दोनों बी, तो इनका रिजल्टेंट जाएगा बी रूट टू। अब किसके कारण से है, किसके कारण से है भैया, तो कुंडली में कारण से, तो कुंडली के कारण जो बी आता है म्यू नॉट आई बाई टू आर, चूंकि आपका एन फेरा है तो एन ले सकते हो एन टू रूट टू, और रूट टू सही कटा होगा तो ये रूट टू, म्यू नॉट एन आई रूट टू आर। देख लो सिंपल, मैंने सीधे क्या बोला, ये गोला इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये गोला इधर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र एक इधर, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। अब फेरों की संख्या बराबर है, त्रिज्या बराबर है, धारा बराबर है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होगा, ये भी। अब दोनों इधर इधर, तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा, और चूंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो परिणामी जो आ जाएगा बी रूट टू। अब बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक के कारण से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, कुंडली है म्यू नॉट आई बाई टू आर, म्यू नॉट आई बाई टू आर, एन फेर है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू, रूट टू से टू, रूट टू मर्त में खत्म, और बच गया कहिए तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। बेहद बढ़िया सवाल था, खूबसूरत सवाल था, आपको यह आना चाहिए था। अब आओ, एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, यहां पे सबसे पहली बात थीटा तुम्हारा दे दिया 90 डिग्री, एकदम यहां से नोट कर लिया जाए माय लॉर्ड। कण का पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होता है, यहां पर सीधी बात है भाई कि कण का जो पथ है वो कितना क्षेत्रफल घेरेगा उस किस चीज पर डिपेंड करता है। चलो एक काम करते हैं, तुमने तो पढ़ा है कि जो त्रिज्या होती है कोई भी साइक्लोट्रॉन पढ़ाया आप लोगों ने, साइक्लोट्रॉन में क्या पढ़ाया था हमने, साइक्लोट्रॉन में पढ़ाया था हमने कि अगर कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो उसके द्वारा एक्वायर किया गया त्रिज्या कितनी होगी, मतलब जो वृत्ताकार पथ पर ऐसा ऐसा घूमेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, एम वी बाई क्यू होगी ना भाई, होगी ना, ओके होगी सर। अब ये बोला जा रहा है कि चलो इसको क्षेत्रफल में कन्वर्ट करते हैं, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देख लो दोस्त, अब तुमको यहां पे क्या दिख रहा है, क्या वेग दिख रहा है, नहीं वेग का स्क्वायर दिख रहा है, संवेग दिख रहा है, नहीं संवेग का स्क्वायर दिख रहा है, है ना, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो मतलब ट्राई करते हैं ए बराबर, एक काम करो मैं इधर भी अगर बोल दूं कि पाई और एम वी स्क्वायर और इनटू एम बटा में टू और क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, टू अपने मन से कर दिया सर, तो टू अपने मन से इधर भी गुणा कर दो, अपने मैंने गुणा कर दिया, भाग कर दिया, एक ही चीज है, तो एरिया जब आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर साइड कर दो और बाकी लोग को अलग भेज दो, एम सॉरी टू पाई एम बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, खूब बढ़िया। ये देखो एकदम यहां पर आप एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो गतिज ऊर्जा,
क्योंकि 2 पाई एम क्यू बी सब कांस्टेंट है, यहां पर आराम से बोल सकते हो कि किसी भी आवेश को जब आप 90 डिग्री के कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित करते हैं तो वो एक वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, और वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसके द्वारा जो क्षेत्रफल एक्वायर किया जाएगा वो गतिज ऊर्जा का समानुपाती होता है, और यहां से ये प्रूफ हो रहा है। तो गतिज ऊर्जा का यह क्या होगा, समानुपाती होगा। एक खूबसूरत सवाल था, कंसेप्चुअल सवाल था, और आप लोग को यह अच्छा लगा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। यहां पे सवाल भी अच्छा है, छोटा सवाल है, समय नहीं लगाना। 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो ये बता मेरे भाई कि टेस्ला किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और इसी को कहा जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहां पे अगर 5 लगा रहा है तो यहां पे भी 5 लगा दे भाई। 5 टेस्ला किसके बराबर हो गया? 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। ढूंढ जरा, ढूंढ जरा, यहां पे है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर दिखा, दिखा सर, ठीक है। 45 में आ जाओ, देखो यहां पे भी कुछ ऐसे ही सवाल है। चुंबकीय प्रेरण, देख पहले ये समझ मेरे भाई कि चुंबकीय प्रेरण B से डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं? B से। अब बात आता है कि सर B का मुझे डायमेंशन निकालना है, बात ये है कि मुझे B की विमा निकालनी है। B कहां मिलेगा सर, कहां मिलेगा? अरे भाई ये मिला है तुमको कभी? F बराबर ILB देखा है, यानी कि एक लंबे तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, और चुंबकीय बल का फॉर्मूला है। यहां से बी पकड़ ले मेरे भाई, बी पकड़ लेगा अगर तू तो एफ बटा में आई एल मिलेगा। बोल हाँ या ना, एफ का डायमेंशन लिख डालो एम एल टी माइनस टू। बोलो दिक्कत है, हाँ या ना बोलते, कमेंट में लिखते जाओ हाँ या ना। बटा में आई बोलो, आई बोलो क्या है? बोल बोल बोल, मैंने तो कौन बे एल 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 सर एल सर एल सर है ना, एल से एल खत्म। अब एल से एल खत्म तो अब ए को ऊपर एकदम टेल दो, इसे ऊपर ऊपर टेल दो, तो एम का एम टी माइनस टू ए माइनस वन। देखा ए हो गए ऊपर जाके, अब ये वाला सकल का कोई चीज चार ऑप्शन में दिख रहा है? देखते हैं सर, सर ये वाला पकड़ा गया सर चोर। देखो एल जीरो सर, एल जीरो क्या है, एल जीरो वन हो गया सर, नहीं हो गया एल जीरो, एल जीरो वन हो गया। चलो 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 चलो, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इतना वेबर प्रति मीटर, देखो बी दिया हुआ है, ये देखो अभी हाँ इक्वेशन ऐसा था जो थोड़ा गड़बड़ था। चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है, द्रव्यमान 9 किग्रा है, तो परिक्रमण काल, देख मेरे भाई यहां पर आपको गतिज ऊर्जा देना चाहिए था। गतिज ऊर्जा दोगे तो मैं वहां से भी निकाल लूंगा, और जब मैं भी निकाल लूंगा ना, जब मैं भी निकाल लूंगा तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा परिक्रमण काल निकालने के लिए। परिक्रमण काल निकालने के लिए 2πm/q भी चाहिए है ना, 2πm/q into b। चलो यहां से निकाल भी सकते हो, तो क्या करना है तुमको, क्या करना है तुमको, क्या करना है तुमको, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे जरा बताओ। टी निकालना है तुमको 2πm/qp, 2 3.14, एम की जगह पे 9 × 10⁻³¹ 9.1 होता है, कोई बात नहीं। क्यू 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 1.6 × 10⁻¹⁹ बी दिया हुआ है 1 × 10⁻⁴, कर ले मेरे दोस्त, कर ले 9 × 2 = 18 हो जाएगा यहाँ, और 1.8 × 3.14 बटा में 1.6 × 10⁻³¹ और यहाँ पर गुना 10⁻¹⁹ और −4 मिलकर 10⁻²³ −23 के ऊपर 10⁻³। ओके 10⁻³। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7 × 1 = −8, और यहीं पर आपका इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3.5 × 10⁻⁷। ये वाला सेकंड में आ जाएगा इनको सॉल्व करने के बाद, तो तुम जरा देखो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। एक बढ़िया सवाल है ये वाला टाइम पीरियड निकालने का, है ना। चलो हो गया दोस्त, ओहो, एक धारावाही लघु कुंडली लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, खूब बढ़िया। हर धारावाही कुंडली एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है सब, और सबका अपना अपना एक चुंबकीय द्विध्रुवा गुण होता है, और वो होता है m बराबर I × A। उससे कितनी धारा बह रही है वो, और उसका कितना क्षेत्रफल है वो, दोनों को गुणा कर दो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। किसका? कुंडली का, कोई भी कुंडली, तार का। कुंडली किसे कहते हैं यार, कॉइल, तार ले लो
गोल बना दो, आई धारा जा रही है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ रेडियस होगा, पाई आर स्क्वायर क्योंकि निकाल सकते हो, उसी की बात कर रही है। तो कह रहा है यदि कुंडली का क्षेत्रफल ए है, ओके ओके ओके, उसके लघु उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान एम है, तो कुंडली में धारा, अरे भाई एम बराबर आई ए, तो आई बराबर एम बाई ए सर, देखो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन होगा ए। देखो भैया जी क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, एल लंबे तार की आकृति की बंद कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ओके ओके ओके, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो कुंडली पर बल कितना लगेगा। देखो भाई बल जो होता है आई एल बी साइन थीटा होता है, और यहां पर जो बात कर रही है इस हिसाब से देखो एल लंबे तार के चक्राकृति की बंद कुंडली, चलो इतना दिमाग नहीं लगाना तुझे, इतना दिमाग ही ना लगाओ, देख लेना पहले, बंद कुंडली है तो बंद कुंडली में धारा भी पड़ रही है आई, तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा देखो ध्यान से, वो बाहर ही निकलेगा, ऐसे धारा ऐसे जा रही है तो ऐसे निकलेगा, तो जब भी तुमको बंद कुंडली किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस कुंडली पर लगने वाला बल को आंख बंद करके ऐसे ही तुम जीरो कर देना। कोई भी कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रख दी जाए तो उस पर लगने वाला बल शून्य प्राप्त होगा, और मोहर मार लो, ए नंबर लगा देना। 49, आर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, खूब बढ़िया, इस कुंडली को बी तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तल में रखा जाता है, कुंडली पर लगने वाले बल का आघूर्ण क्या होगा। कुंडली पर जब भी किसी कुंडली को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो लगने वाला आघूर्ण एन आई ए बी होता है, यह होता है फॉर्मूला, तुमको गैल्वेनोमीटर में मैंने पढ़ा रखा। कुंडली में फेरों की संख्या नहीं दी है, एन एक मान लो, तो अब हो जाएगा आई, अब ए के जगह पे पाई आर स्क्वायर इंटू बी, तो हमारा देखो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आई इंटू बी, भैया आंसर नंबर सी, कितना आसान था, कितना आसान था, है ना। कुछ लोग बोले ना यूट्यूब पे सर वीडियो देख रहे कम टाइम में, देखो मुझे भी पता चलता है तुम लोग कम कम टाइम पे देख रहे हो, जब तक पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग नहीं देखिएगा ना कुछ होने वाला नहीं है, मत देखो, मेरा क्या, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, समझ आएगा बेटे, जब समझ आएगा, जब तुम्हारे रिजल्ट खराब हो जाएगा ना और बाद में सारे तुमको पता चलेंगे कि अरे यार ये तो सब इन्हीं के पेपर से लड़ा हुआ है, तब ओ हो छाती पीट के फिर रोई है, बाप रे बाप लड़ गई सब वजह से, अब का कोरी, तो फिर रही है फिर। अब देख 50 नंबर सवाल, किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में क्या संबंध है। देख बबुआ गैल्वेनोमीटर में एक वो लगा लाता नीडल, और वो नीडल क्या करता है, बताता है कि कितनी धारा इससे प्रवाहित हो रही है, तो जितनी ज्यादा धारा जाएगी उतनी ही ज्यादा विक्षेपण नजर आएगा, और यहां से एक रिलेशन तुमको पता चल जाएगा कि आई समानुपाती थीटा है। आंसर ढूंढो बेटे, बी नंबर आंसर, ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 51, तार की एक लंबाई में, देखो ओहो तार की एक लंबाई में स्थिर धारा, देखो स्थिर धारा बोल दिया मतलब आई नहीं बदलेगा, यहीं पे लिख लो, धरती इधर से उधर हो जाएगी, गोली चल जाएगा एकदम, फारसा पर फारसा चल जाए, लेकिन आई ना बदली, तो अब सर पहले इसे मुड़कर एक फेरे वाला वृत्ताकार समतल कुंडली बनाई जाती है, ओके हम बना देते हैं सर ये ट्रर, ट्रर, ओके ओके, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अब कितना हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि म्यू नॉट आई बाई टू आर हो जाएगा। अब देखो दोबारा क्या कर, फिर वही लंबाई कम त्रिज्या की दो फेरों की कुंडली के रूप में मिट जाती है, मतलब अब की बार दो गो फेरा कर दिया है, दो गो फेरा, तो दो गो जब फेरा तू कर दे लो, तो एक बात बताओ उनके द्वारा उत्पन्न कुंडली के केंद्र पर, तो देखो अब जो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, ये होता है ना, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट का म्यू नॉट, एन हो जाएगा दो, आई वही बह रहा है, अब देखो भाई दू का दू, त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आप तो कम कर दिया ना, दू को फेरा कर दो लो, तो आर जो होता है वो आधा हो जाए, आर बाई टू हो जाए, आर बाई क्या हो जाए भैया टू हो जाए, तो अब हम बोलेंगे कि म्यू नॉट आई बाई
टू आर अलग कर दो, म्यू नॉट आई बाई टू आर अलग कर दो, हई दू मिलके एजा चार कर दो। मतलब कि पहले म्यू नॉट आई बाई टू आर रहे, लेकिन अब हमें हो जाए चार से गुना, यानी कि पहले जवन चुंबकीय क्षेत्र रहे ओकरा से अब चार गुना ज्यादा हो जाए, तो चार गुना ज्यादा हो जाए तो पहले के मान का चार गुना, आंसर नंबर सी। समझ रहे हो ना, पकड़ आ रही ना बात, समझ आ रही है? नहीं है समझ आ रही है तो पीछे बैक करो, थोड़ा दोबारा देखो इसको, समझ रहे हो ना, मजा आ जाएगा। ये देखो मेरे भाई, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, एकदम प्रवाहित होनी चाहिए। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बिनोट है, ओके 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 माय लॉर्ड, कुंडली के केंद्र पर बिनोट है। कुंडली के अक्ष पर इसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बिनोट बाई आठ होना चाहिए, कितनी दूरी पर बिनोट बाई क्या होना चाहिए, आठ होना चाहिए। देखो एक्सियल पोजीशन पर जो होना चाहिए ना तुम्हारा, वो क्या होना चाहिए, म्यू नॉट, है ना, क्या होना चाहिए भाई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर तीन बटे दो, है ना, ऐसा कुछ। अब कह रहा है कि जो भी, अच्छा ऐसा होना कितना चाहिए केंद्र पर, यहां पर करना क्या है, कुछ नहीं करना तुमको, यहां पर करना यह है कि x के जगह पे तुमको जीरो ले लेना है, x के जगह पे जीरो ले लोगे तुम्हारा आ जाएगा काम, x के जगह पे जीरो ले लोगे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा टू, चूंकि ये दूरी पर रेडियस यहां पर हम कितना ले लेंगे, आर ले लो, आर ले लो, तो आर ले लोगे तो आर हो जाएगा, है ना, ये वाला। केंद्र पर कितना होता है, म्यू नॉट बाई टू आर, केंद्र पर कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है ना, यहाँ पे डायरेक्ट टू कर दे भाई मेरे, अरे भाई काहे में टिकरा रहे, काहे में टिकरा रहे, ऐसे ना कर यार, ऐसे ना कर यार, टू कर लो। अब देखो क्या कह रहा है कि केंद्र से कितनी दूरी पर जाएं कि बीनोट हो जाए, चलो एक काम करो, एक एक्स दूरी पर गए तो ये बीनोट हो गया, एक्स दूरी पर कितना चला गया, बीनोट हो गया, बीनोट बाई आठ करना है मुझे, चलो बीनोट बाई आठ बराबर म्यू नॉट आई बाई टू, और यहां पर देखो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पर पावर में तीन बटे दो। देखो मैंने किया क्या है, फिर से बनाता हूं, फिर से बनाता हूं, फिर से बनाता हूं, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इसमें, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। फॉर्मूला होता है बी एक्सियल पर, अक्ष पर, अक्ष से कितनी दूरी पर जाए, तो बी अक्षीय का जो फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा, खूबसूरत सा फॉर्मूला देख लो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर तीन बटे दो। कह रहा है ना कि ये एक वृत्ताकार लूप है, देखो सवाल समझो, सवाल समझो, पहले सवाल समझोगे उतनी ज्यादा मजा आएगा। एक ये ऐसे वृत्ताकार कुंडली है, इससे आई धारा जा रही है, अब कह रहा है ना इसकी त्रिज्या आर है, कि इससे कितना दूर चले जाएं, एक्स दूरी पर चले गए कि यहां पर अब जो हमारा मान हो जाए ना वो हो जाए बी नॉट बाई आठ। क्या कह रहा है कि बी नॉट क्या है, यहां का चुंबकीय क्षेत्र है बी नॉट, और यहां का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर, तो कितना दूर जाए, एक्स का वैल्यू क्या होगा कि बी का मान, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां के मान का एक बटे आठ गुना हो जाए। चलो x दूरी पर गए तो इतना हो जाएगा, अब इसके जगह पे b नोट पर 8 रख दो, ओके, अब म्यू नोट आई को एक साथ, अब बटा में 2 को एक साथ, और बाकी सबको अलग कर देते हैं, r स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर में 3 बटे 2, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करो ना दोस्त, यहां भी r से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी r से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, आर इधर भी कर दिया, आर इधर भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वाला जो वैल्यू है ना वो बी नोट का है, ये म्यू नोट आई बाई टू आर जो है ये बी नोट का है, तो अब ये पूरा का पूरा वैल्यू इस बी नोट से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी नोट और ये बराबर है, तो इसको और इसको खत्म कर दिया, अब बच गया एक बटा आठ आर बराबर आर स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर तीन बटा दो, तिरछा तिरछी गुना कर लो, तिरछा तिरछी गुना कर लो। अब देखो आठ आर और आर स्क्वायर मिलके आठ आर का पावर तीन, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर तीन बटा दो, ठीक है ना। चलो अब इधर से भी क्यूब हटाते हैं, इधर से भी क्यूब हटाते हैं, क्यूब जब हटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि टू आर बराबर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस कितना हो जाएगा, देख लो भेज दे उधर, इधर का एक बटा तीन उधर रूट में चला जाएगा, आठ आर, आठ आर नहीं टू आर,
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, समझ रहे हो, क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, कर लो यहां 8r का क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब मुझे सॉल्व करके क्या पता करना है, मुझे पता करना है कितनी दूरी पर है x, मुझे निकालनी है यहां से। अब जब x का वैल्यू, इसको सॉल्व करके आगे बढ़ोगे x निकालने के लिए, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहां पर देखो तुम, यहां पर 3/2 है, सिंपल सी बात है, यहां 3/2 है और यहां पर r के पावर 3 है। देखो थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूं, यहां 2r का पावर 3 कर दूंगा और यहां एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर में 3/2 रहने दूंगा। फिर ये 3 उधर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये 3 जब उधर चला जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, यानी कि इधर 1/3 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहां से खत्म, 1/3 हो जाएगा खत्म। अब यहां बच गया 1/2, 1/2 इधर जब आएगा तो हो जाएगा स्क्वायर, तब ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहां हो गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, भैया r स्क्वायर को इधर बुलाओ घट जाएगा 3r स्क्वायर x स्क्वायर। तो अब x निकालना हो गया तुम्हारा आसान, √3 × r, तो x कितना आया तुम्हारा, x कितना आया, आया तुम्हारा √3r। √3r कहां है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत लंबा सवाल है ये, दो नंबर में आना चाहिए, लेकिन चूंकि दिया हुआ है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया सवाल है, खूबसूरत सवाल है, कैलकुलेशन भले ही ज्यादा हो लेकिन वाकई बहुत अच्छा सवाल है। तो आपका आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी। R1 और R2 त्रिज्या के दो समकेंद्रिक, देखो दोनों समकेंद्रिक हैं, ये छोटा वाला टुक टुक, इसमें आई धारा जा रही मान लो, और समतलीय वृत्ताकार लूपों में क्रमशः I1 व I2 परस्पर विपरीत दिशाओं में, देखो एक और वृत्त है जिसमें धारा अगर ये इसमें जा रही है I1 तो ये I2 इधर जा रहा है, ठीक है ना। चलो लूपों के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण अकेले I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधार है। चलो I1 द्वारा कितना है पता कर लेते हैं, V1 बराबर हो जाएगा μ0 I1 / 2R1, क्योंकि इसकी रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, और V2 द्वारा कितना हो जाएगा μ0 I2 / 2 × अगर बोला जाए कि छोटे वाले का त्रिज्या आपका R है तो बड़े वाले का त्रिज्या हो जाएगा 2R, क्योंकि डबल का रिलेशन यहां है, देख लो। अब देखो जरा, अब क्या कह रहा है कि ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अगर ये प्लस में तो ये वाला माइनस में, इसको ले लो तुम माइनस में, इसको ले लो तुम माइनस में, और दोनों को जोड़ो रिजल्टेंट निकालो, तो μ0 I1 / 2R + और ये माइनस देखो -μ0 I2 / 4R बराबर, दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण का आधा, I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण कितना है, इतना है I1 द्वारा उत्पन्न प्रेरण μ0 I1 / कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से μ0 I / 2R, इसका आधा हो जाएगा, तो ये आपको क्या कर सकते हैं 4R कर सकते हैं, समझ रहे बात को, समझ रहे बात को। अब यहां पे क्या करना है, I2 / I1 का आपको काम करना है, निकाल देना है, है ना। तो कैसे निकालेंगे I1 / I2 का रेशियो, चलो इसको उधर भेजो, इसको इधर ला दो, अब इसको उधर भेजेंगे ताकि इसको इधर लाके घटा सके, तो μ0 I2 / 4R = μ0 I1 / 2R घटाओ μ0 I1 / 4R। तो मुझे ऐसा लगता है कि μ0 I2 / 4R = μ0 I1 / 4R ही बचेगा, 4R से 4R खत्म, तो I2 और I1 आपस में बराबर हो गए। जब I2 और I1 आपस में बराबर हो गए तो I2 / I1 कितना आएगा, दोनों बराबर हैं तो अनुपात भी क्या आएगा, 1 आएगा, और आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी। ये भी बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत खूबसूरत सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 54, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर उपस्थित है, समानांतर उपस्थित है मतलब थीटा ले लिया 0, और किसी भी चालक पर लगने वाला जो बल होता है ILB sin थीटा होता है, 0 डिग्री पर sin थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो बल लगने वाला जो आएगा ये भी 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर नंबर कितना, डी। 55, दो लंबे सीधे समांतर तारों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, ओके? वे एक दूसरे पर F बल आरोपित करते हैं, खूब बढ़िया, यदि प्रत्येक चालक में धारा दुगुनी, ओई 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 ओई, मतलब कि डग 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 डग,
डिग 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 डिग, दोनों के बीच में आर दूरी, जो बल लगेगा वो सुनो, दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो सुनो, म्यू नॉट इंटू फोर पाई टू आई वन आई टू बाई आर। ये होता है दो समांतर तारों में धारा प्रवाहित हो रही है उनके बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला। कहता दोनों चालक में धारा दोगुनी कर दिया, चलो ये दोगुना कर दिया तो हो गया चार गुना बढ़ गया, चार गुना बढ़ गया, दोगुना करते चार गुना बढ़ गया, दोनों के बीच की दूरी आधी, अरे भाई इसको आधा कर दिया है ना, तो अब देखो ये दो चला जाएगा ऊपर, चार दुनी आठ, माने पहले से आठ गुना हो जाएगा, यदि पहले बल एफ था तो अब हमारा बल आठ एफ हो जाएगा और आंसर नंबर ए हो जाएगा। 56, दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो अगर वे विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हो रही हैं, अगर ये उधर जा रहा है, अगर ये इधर आ रहा है, तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, वहीं पर अगर दोनों के बीच में एक ही दिशा में धारा जा रही होती तो इनके बीच में आकर्षण होता, यही कारण है कि बिजली के तार जो अगल बगल से गुजर रहे होते हैं तनी भी सटेगा पूरा लपेटा जाला आपस में, पता है क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, तो आपका आंसर होगा ए नंबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करता है, परिनालिका के भीतर जब भी आप चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे हमेशा एक समान चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, परिनालिका के भीतर जब भी जाओगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाओगे, और परिनालिका भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, चलिए यह भी बेहतर सवाल था, आने वाला सवाल था क्वेश्चन नंबर 51, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। स्प्रिंग में यदि करंट फ्लो करा दिया जाए तब क्या होगा, कोई स्प्रिंग है और उसमें तुम करंट फ्लो करा दो तो हमेशा क्या होगा ना कि वो तो परिनालिका की तरह बिहेव करने लगेगा और उसका जो कुंडली होगी ना हमेशा चुंबकीय क्षेत्र, देखो ऐसे ऐसे धारा जाएगा और ऐसे ऐसे धारा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र जब उसको अंदर की ओर जाएगा तो स्प्रिंग को जो है ना फैलने से बचाएगा और उसको संकुचित कराएगा, उसको क्या करेगा और ज्यादा कंप्रेस करेगा, तो देख लो स्प्रिंग में जब भी धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसको संकुचित करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। एन फेरे प्रति मीटर वाली लंबी परिनालिका में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिनालिका के सिरों के बीच, देखो एक बात तुम समझ लेना, ये है परिनालिका, याद रखो इस बात को, और इसमें तुमने ऐसे तैसे ऐसे रख दिया तो जो बीच में आपका भीतर आता है ना बी, वो म्यू नॉट एन आई आता है, लेकिन आपको मैंने क्लास में बता रखा है कि जो केंद्र पर होता है वो सिरों पर नहीं होता, सिरों पर अलग होता है, और सिरों पर अगर तुमको निकालना है तो सिरों पर जो होगा केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा दोस्त, टू हो जाएगा, तो सिरों पर पूछ रहा है यहां पर, प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू होगा और हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। खूबसूरत सवाल था, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, केंद्र पर कितना म्यू नॉट एन आई और सिरों पर कितना म्यू नॉट एन आई बाई टू। ये तो बहुत बार मिल चुका है यार, शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी या एच बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तो यहां पर वोल्टेज की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, यहां पर देखो एच जो है समानुपाती वी का स्क्वायर है ना, यहां पर विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अभी बढ़ते हैं 61 में, किसी चालक के संवहन वेग VD है और आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन में, देखो तुमको याद होगा मैबिलिटी का फॉर्मूला VD बाई E, और अगर मैं दोनों को करूं तो VD बराबर म्यू इंटू ई, और यहां से एक खूबसूरत रिलेशन निकल रहा है ई और VD में ये वाला, तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा। एक बेहतर सवाल था जो फॉर्मूला से निकालना था, सिर्फ आपको कुछ करना था नहीं, ये देखो दोस्त, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ को दो समान टुकड़े में तोड़ दिया जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये देखो एक चुंबक है, यहां M रहा होगा, यहां M रहा होगा, और यहां से यहां के बीच की दूरी तुमने ले लिया L, तो जो बड़का M आएगा वो M इंटू L ही होगा, और क्या कह रहे हो कि तुम इसको बीच से तोड़ दिए, तो देखो M तो ये वही रहा और यहां पर ये उतना ही का M बना लेगा, बस क्या हो जाएगा ना L जो तो पहले L हुआ करता था वो बीच से तोड़ने पर L बाई टू हो जाएगा, तो अब जो तुम्हारा बड़ा वाला M आएगा M इंटू L बाई टू, मतलब कि M बड़का M बाई टू हो जाएगा, देखो नया वाला जो आएगा आपको पहले वाले ML, पहले जो ML हुआ करता था जो
पहले ml होगा उसको मैंने m लिख दिया और बटा में दो, मैंने पहले से आधा, जितनी बार तोड़ोगे उतने टाइम उसका आघूर्ण मतलब घटेगा, तो दो गुना दो बार टुकड़े में तोड़ा है तो m by 2, तीन भाग में तोड़ा होता m by 3, चार भाग में तोड़ा होता m by 4। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, है ना, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, खूब बढ़िया, उसका ध्रुव प्रबल l m होगा और लंबाई l है, तो आपका जो हो जाएगा m into l। अब कह रहा है कि उसको एक अर्धवृत्त में तोड़ दिया गया, अर्धवृत्त में तोड़ दिया गया, अर्धवृत्त में तोड़ दिया गया, इसका मतलब कि जो l हुआ करता था अब वो मतलब अर्धवृत्त का मतलब कितना हो गया, अर्धवृत्त का मतलब हो गया पाई r, मतलब इसका रेडियस जो हो जाएगा l by पाई हो जाएगा, इसका रेडियस जो हो जाएगा l by पाई हो जाएगा, तो चूंकि यहां से यहां तक की लंबाई r plus r 2r हो जाएगा, तो अब देखो अब जो हमारा m होना चाहिए वो m into 2 into r होना चाहिए, तो m into 2 into r के जगह पर कितना, r के जगह पर कितना l by पाई, l by पाई, तो हो जाएगा 2 by पाई into m into l, और इस m into l को क्या बोलोगे, बड़ा वाला m, तो 2 by पाई into बड़ा वाला m, तो 2m by पाई, यहां पर आपका जो इसका जब अर्धवृत्त में बदल दीजिएगा तब का जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो 2m by पाई आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं आगे, 64। ये सवाल थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की ये साइड, देखो चुंबकीय फ्लक्स अगर क्षेत्र कहां कहां के, अगर फ्लक्स पूछेगा तो हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है ना, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स अगर आपसे पूछेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, हेनरी तो होता है आपका इंडक्शन का, प्रेरण का, और अगर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व तो पूछे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो पूछे या चुंबकीय प्रेरण पूछे तो उस सब में टेस्ला, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना जरा, इन सबका मैं अलग अलग लिख देता हूं, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ला किसका है, बी का, बी को क्या क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बोलते हैं। हेनरी किसका है, प्रेरक का। वेबर किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। और जूल सेकंड किसका है, जूल सेकंड उसका होता है किसका, इंच का, और इंच क्या है, प्लैंक का नियतांक, प्लांक का नियतांक। ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए, ये चारों का मैंने मात्रक लिख डाला है। यहां पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन होगा, सर कौन सा ऑप्शन करूं मैं, कौन सा ऑप्शन करूं, बेटा यहां कौन सा ऑप्शन मत कर, यहां पर ध्यान रखना कि चुंबकीय नहीं रहता ना, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछता तो तुम डायरेक्ट सी कर सकते थे, चुंबकीय फ्लक्स का है, अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता तो टेस्ला कर सकते थे, तो यहां पर तुमको आंसर करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना है, चारों याद कर लो कौन किसका है। लास्ट दो सवाल आपके पास और, चुंबकीय क्षेत्र बी में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, देखो दो तरह के ऊर्जा घनत्व, विद्युत ऊर्जा घनत्व भी होता है, और विद्युत ऊर्जा घनत्व जो होता है ये वाला होता है 1/2 ε0 E2, ये कितना है UE, यानी कि विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का जो होता है B²/2 μ0 होता है, तो तुमको क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है, तो आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी। चलिए दोस्त बहुत ही आसान कंटेंट रहा पूरा का पूरा, मजा आ गया आपको, और ये आखिरी सवाल पे थोड़ा जोर लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होगा। दोस्त बहुत आसान सवाल है, A=QVB sin θ, और अगर तुम वेक्टर फॉर्म में अगर पूछना चाहते हो तो Q into V cross B, और ढूंढो मेरे भाई आंसर कौन यहां होगा, तो Q into V cross B आंसर नंबर आपका एक होगा। तो ये आपका जो मैंने 36 सवाल का सेट आपके सामने जो लेके आया, बहुत ही खूबसूरत 36 सवाल, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो दोस्त ये पूरा दोनों वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू बढ़िया से देखिए, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इस पैटर्न से बाहर से पूछे। तो दोस्त अगला लेक्चर जो होगा हमारा चैप्टर 5 से होगा, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, तो तैयार रहिए उसके लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।